आज मैं आलू के स्टफ्ड पकौड़े बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये दो आलू लिए, उन्हें मैंने छील लिया और ये चिप्स जैसे मैंने इसे इस तरह से काट लिया। और इसे पानी में ही आप डालें, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे और एक कॉटन के कपड़े में इसका पानी सुखा लेंगे। अब ये मैंने इस तरह से कपड़े में रख दिया है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, पंखे में रख देंगे तो ये आलू का पानी सूख जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए मैंने ये एक कप बेसन लिया है। अब हम इसे पहले घोल के रख देंगे बेसन को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे घोल लेंगे। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, एकदम इससे मैं विस्कर से फेंट रही हूँ। आपको यदि फेंटना हो तो आप ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, लेकिन फेंटना अच्छे से या हाथ से ही फेंट सकते हैं। अब ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। क्या करेंगे कि इसमें डालने के लिए मैं काट के नहीं डालूंगी, मैं इसे अदरक को और थोड़ा सा दो चार लहसुन और एक इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये अब हम डाल देंगे इसमें चार पांच मिर्ची। और हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, या हरा धनिया आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, ठीक है ऊपर से आप डाल दीजिए। मैं लहसुन डाल दूंगी इसमें, एक दो कली, चार लहसुन की कलियां मैं डाल रही हूँ। और आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें, जैसे मैं हम एक कप का ले रहे हैं, मतलब लगभग 200 ग्राम के करीब बेसन, तो मैंने दो आलू की चिप्स बनाई है, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसको हम ऐसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्ची का ये पेस्ट डाल दूंगी, और इसमें डाल देंगे हम ये हरा धनिया। अब इसमें डाल देंगे हम ये नमक, आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। इसमें डाल देंगे हींग, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, और ये थोड़ा सा मैं डाल दूंगी सौंफ, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे अजवाइन है, अजवाइन भी थोड़ा सा ही डालिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा थिक है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। अब हम क्या करेंगे कि जो आलू हमने चिप्स काट के रखा था, उसे इसका पानी सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने लहसुन, मूंगफली और इसकी सबकी ये चटनी बना के रखी थी, या आप सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं, तो इसमें स्टफिंग हम इसकी करेंगे। इस तरह से ऐसे फैला के, और इसी के साइज का हम दूसरा आलू लगा देंगे इसके ऊपर। इस साइज में थोड़ा सा फर्क आ गया है, इसी तरह से मैं इसमें भी लगा लूंगी। या आप जो मूंगफली की ड्राई चटनी रहती है उसे भी लगा सकते हैं इस तरह से ये। और ऐसे ऐसे स्टफ कर करके हम रखते जाएंगे। अब ये मैंने आलू को स्टफ करके रख दिया। आप इसमें कोई सा भी मसाला लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लहसुन वाली चटनी लगाइए, सेजवान सॉस या टोमेटो केचप, जो भी आपकी इच्छा हो, या आलू पनीर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब मैंने ये तैयार करके रख लिया है और हमारा बेसन भी घुला रखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए बना लेंगे आप चटनी। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, पुदीना की पत्ती डाल दी अच्छे से धो के, और ये लहसुन की कली, हरी मिर्च में कमी डालूंगी, दो हरी मिर्च, आपको जितना डालना हो आप उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। डाल देंगे थोड़ा सा सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक,
और ये नींबू का रस। आप यदि नींबू नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। एक नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और अब डाल देंगे ये थोड़ा सा सेव, कोई से भी सेव आप ले सकते हैं। इससे क्या कलर चेंज नहीं होता है, वैसे ग्रीन रहता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेंगे। इसे मैं थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी, मैं भूल गई थी डालना, थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। अब ये देखिए ये चटनी हमारी बन गई है, कितनी बढ़िया चटनी दिख रही है। अब इसे हम पलट लेंगे और अब हम पकौड़े बनाएंगे। अब ये तेल गर्म हो गया तो मैं ये बैटर में डाल दूंगी, 2 चम्मच में इसमें ऑयल डाल दूंगी गरम गरम। इससे क्या है एकदम क्रिस्पी बनते हैं। मैंने इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब तेल गरम हो गया है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्टफिंग करके मैंने ये आलूओं को रखा था वो इस तरह से हम डिप करेंगे। और इसमें हम ऐसे छोड़ देंगे। इस तरह से इसे हम अभी फुल फ्लेम में ही रखेंगे, उसके बाद फिर हम मीडियम कर देंगे। अब ये देखिए हमारे आलू के पकोड़े कितने अच्छे फूल रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि धीरे से पलट देंगे। थोड़ा हमारा क्या है जो हमारा कटर था वो अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा आड़े तेज से कटे हैं। और नहीं तो आप चिप्स वाले अच्छे वाले कटर से करेंगे तो एकदम एक साइज के आलू कटेंगे। धीरे से हम इसे पलटते जाएंगे। और इस तरह से आप बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यदि आपको स्टफिंग वाले नहीं बनाना तो आप सिंपल ऐसी चिप्स को बेसन में लपेट के और फ्राई कर लीजिए, लेकिन इस तरह से ही बना के देखिए आप। और इसके लिए आलू थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़े लंबे टाइप के आलू लेंगे तो उससे क्या है लंबे लंबे अच्छे थोड़े बड़े बड़े चिप्स बनेंगे जो होते जा रहे हैं उसे आप निकालते जाइए। अब ये सारे हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, एकदम कुरकुरे हैं। ऐसे हम निकाल लेंगे। अब ये हमारे स्टफिंग वाले आलू के पकोड़े चटनी के साथ बनके तैयार हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, आप बनाइए खाइए और खिलाइए। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।